कि बहुत ज्यादा चांसेस है यहीं से आपको स्टार्टिंग जी के पूछे जा सकते हैं आंसर आ गया है तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि सीजीएल का लेवल क्या हो सकता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और कौन है जो लोग जितना आता है उतना ही बना लेते तो एग्जाम पास कर जाते तो तो आई वे करता है वो अभी ये करेंगे थोड़ा ना अभी तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे टफ टफ क्वेश्चन हेलो एवरीवन So, आप लोगों को पता है कि अब एस एस सी में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और इस टाइम को सही से यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम आपको क्या करना है और उससे भी ज्यादा क्या नहीं करना है क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा है लेकिन अगर एक दिन एग्जाम वाले दिन ही अगर इंप्लीमेंट ना कर पाए अच्छे से उस नॉलेज को अप्लाई ना कर पाए तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है इन दस दिनों में आपको क्या क्या करके उनका बेस्ट यूज करना है एग्जाम में इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी क्योंकि मैंने अटेम्प्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया तो मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट में क्या क्या गलतियां की थी उन सब के बारे में बताऊंगी कि आप लोग ये सब मत करिएगा बचिएगा और इसी बार सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली बात कि इन दस दिनों में आपको अपने नौ घंटे अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करने हैं इसमें आपको क्या क्या करना है तो सबसे पहला तीन घंटा आपको मॉक और मॉक एनालिसिस में देना है अब कौन से मॉक देने हैं कैसे एनालाइज करना है मौक देने में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है पर्टिकुलरली अभी तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगी दूसरी चीज आपको तीन घंटे देने हैं अपने रिविजन में हर एक सब्जेक्ट में भी क्या क्या रिवाइज करना है क्योंकि इस टाइम सारी चीजें रिवाइज आप नहीं कर सकते हो कुछ ही ऐसी चीजें जो आपको रिवाइज करोगे तो मैक्सिमम आउटपुट आपको एग्जाम के टाइम पे देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं बताऊंगी तीसरी चीज है प्रैक्टिस मॉक और रिविजन से वैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी बट उसके अलावा इस टाइम आप किन चीजों को प्रैक्टिस करो कि आप एग्जाम में नर्वस ना हो कैसे मैक्सिमम से मैक्सिम रिजल्ट कर पाओ एग्जाम में

जो कि आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम डेवलप करने में मदद करेगी क्योंकि अगर आप अभी डिमोटिवेट हो गए ना तो आप एग्जाम में पक्का खराब कर दोगे और कॉन्फिडेंस ही एकमात्र वो चीज है जो आपका सिलेक्शन करवाती है मुझे पता है मैं अपने फर्स्ट अटैंड में बहुत पढ़ाई करी थी मतलब मैं नौ नौ घंटे भी पढ़ती थी लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाई उसका सोल रीजन था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी मुझे लगता मैं फर्स्ट बार एग्जाम दे रही हूँ बाकी लोग तो इतने धुरंधर अंधर है मुझसे सब सबसे सबको ज्यादा आता होगा तो ये जो सोच थी ना मैं वहां पर बैठी हुई हूँ एग्जाम दे रही हूँ भाई फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा जबकि क्या मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था बहुत पढ़ा था लेकिन क्यों नहीं याद आ रहा था वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर मुझे लगता था बाकी लोग मुझसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आएगा कि आप बोलते रहो कि भाई मैं कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट वो चीज आएगी जब आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी सच में अच्छी है आप सच में दूसरों को बीट कर रहे हो वो पता लगेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे और याद रखो इस टाइम आपको कोई भी न्यू मॉक टेस्ट नहीं देना है रट लो इस चीज को अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो मॉक टेस्ट है वही देने हैं क्योंकि 99% आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से ही आएंगे वही रिपीट कर करके आते हैं हम सिर्फ भ्रम पाले रहते हैं कि भाई पता नहीं कुछ नया आ जाएगा तो अरे कुछ नया नहीं आएगा भाई वही चीजें रिपीट करके आपकी आने वाली है तो अगर आपका प्रीवियस ईयर पे कमांड अच्छा है ना तो आप वैसे ही करके एग्जाम में भी परफॉर्म करोगे आपको लगा कि यार मौखी है तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर मॉक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है अब मॉक पे भी क्या क्या चीजें आपको इस टाइम पर ध्यान देनी है अभी तक तो आपने मॉक एनालिसिस बहुत सारा किया ही होगा तो आपने बहुत चीजें सीखी होंगी कि हाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं स्किप कैसे करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो अभी आपको यही चीजें अच्छे से और अटेंटिवली ध्यान देनी है कि स्किप पे पता है कभी कभी क्या होता है कि भाई मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है अब मेरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है अब वो क्वेश्चन ऐसा है ही कि नहीं बनने वाला है सब छोड़ रहे हैं लेकिन आपको लगेगा भाई मेरा तो टिक्नोमीट्री अच्छा बनाना ही है एवरेज आपको लगा कि भाई एवरेज का क्वेश्चन तो मेरा कभी नहीं छूटता था अभी भी नहीं छूटना चाहिए हो सकता है उसमें बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया एक परसेंट दो परसेंट लोगों ने बनाया हो आप उसी में लगे हुए पांच मिनट तक अपना खराब कर दिया तो ये ईगो में नहीं लेना है ठीक है मतलब स्किप आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि इजी क्वेश्चन भी क्यों ना हो कैलकुलेशन टफ है या नहीं बनाने लायक तो मैं छोड़ूंगा अगर आपको सही से जानना है कि एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक की तो अभी भी मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हो दस दिनों में भी प्रैक्टिस करोगे ना आप एग्जाम में फोड़ दोगे दूसरी चीज आपको टाइम मैनेजमेंट अभी ध्यान से देखना है कि आप पहली तो स्किपिंग वाली बात आपको याद रखनी है दूसरी चीज आपको जो मीडियम में आप हमेशा से बनाते हुए आ रहे हो एग्जाम में जाके वो मीडियम चेंज नहीं कर देना है जैसे मैंने क्या किया था कि मैं इंग्लिश में इंग्लिश में घर पे सॉल्व किया कर देती अब एग्जाम में गई तो मुझे लग रहा है कि यार मैं इंग्लिश में कहीं फर्स्ट तो नहीं जाऊंगी हो सकता है मुझे समझने में टाइम लग जाए तो हिंदी में करते हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ी बेवकूफी थी मेरी वहां पर तो आप मीडियम बिल्कुल चेंज मत करिएगा तीसरी चीज कि आप जिस सीक्वेंस में देते हो ना मॉक जैसे मान लीजिए पहले रीजनिंग देते हो उसके बाद मैथ्स देते हो या पहले मैथ्स देते हो रीजनिंग देते हो जो भी आपका सीक्वेंस होगा उसको आपको जाकर के चेंज नहीं करना है सेम सीक्वेंस में बनाना है नेक्स्ट चीज जो आपको टाइम मैनेजमेंट में ध्यान रखनी है कि होता है ना कुछ लोग

प्रीवियसर क्वेश्चन तो आपने बनाया होगा आपको दो घंटा भी नहीं लगेगा बनाने वो आपका बन जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना कि टारगेट मत फिक्स करेगा कि ये भाई प्रीवियस क्वेश्चन मेरा पूरा में पूरा मार्क्स आना चाहिए एग्जाम में भी आपको सेम काम नहीं करना हो सकता कि भाई क्वेश्चन ही टफ आ रहा हो क्वेश्चन ही कम स्कोर करने वाला हो हो सकता है टॉपर ही बहुत कम नंबर लेके आप दिमाग में बैठे को 90 परसेंट मार्क्स लाना है। तो ऐसे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर बनेगा तो आपको टेस्ट दो, दो, ये दिमाग में रखना है क्या होता है सबको लगा था एग्जाम में तो इजी क्वेश्चन आता टफ आ गया अब टफ वाले में से ना जो लोग जितना आता है उतना ही बना लेते तो एग्जाम पास कर जाते क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत कम स्कोरिंग स्कोर करने वाला था ना तो टारगेट दिमाग में मत सेट करेगा दिमाग में टारगेट सेट से जितना आता है उतना बनना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए तो देखो आप तुरंत अच्छा स्कोर करोगे तो ये तो था आपका टेस्ट, क्या देना, कैसे करके करना है। दूसरी चीज पे करनी है तीन घंटे रिविजन हर एक सब्जेक्ट का रिविजन अब मैथ्स में आपको क्या रिवाइज करना है जो आप मैक्सिमम आउटपुट ले जाओगे इस टाइम पे कुछ लोग ना फॉर्मूला को कैलकुलेशन को या जो स्क्वायर क्यूबे याद करना करता है वो अभी ये करेंगे थोड़ा ना अभी तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे टफ टफ क्वेश्चन भाई वकलोली नहीं करना है ठीक है जमीन पर रहो यही में आता है एस एस सी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ये नॉर्मल लेवल का एग्जाम है नॉर्मली चीज पूछा जाता है तो इस टाइम इस, वही आपको करना है मैथ्स में जो नोट्स बनाया होगा अब नोट्स में आपने क्वेश्चन लिखे होंगे फॉर्मूला लिखा होगा कंसेप्ट लिखा होगा सब चीज को एक एक करके रिवाइज करो तुरंत तुरंत रिवाइज करो नहीं। एक चैप्टर लेके एक घंटा बैठे हो इतना प्रैक्टिस किया होगा तो आपको तीन चार चैप्टर जो आपका एक घंटा में रिवाइज हो जाएगा तो क्वेश्चन को जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उसको लिख के प्रैक्टिस करो और जो तुरंत बन जाने वाला उसको माइंड में प्रैक्टिस कर लो तो आपका माइंड भी जल्दी जल्दी तो चलना शुरू होगा और ये देखना कि भाई क्वेश्चन पढ़ के तुरंत में कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं दिमाग में ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है उसके बाद आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन के ऊपर इस टाइम कैलकुलेशन आपका स्पीड होना बहुत जरूरी है तो आप पंद्रह से बीस मिनट तो सिर्फ कैलकुलेशन को दो एक तो मॉक जब लगा रहे हो या नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो सबका कैलकुलेशन हो जाएगा इसके अलावा भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में मेहनत करने की कुछ अगर टफ कैलकुलेशन आ गया परसेंटेज को हम कैसे तुरंत में चेंज करें तो ये सब कैलकुलेशन और मैंने हमेशा अपनी में बताया कि कुछ चैप्टर्स के पर्टिकुलर कैलकुलेशन होते हैं जो उस चैप्टर में फेमस होते हैं मतलब एक ही टाइप के कैलकुलेशन आपको उस चैप्टर में बार बार देखने के लिए मिलेंगे तो ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो आप करने नहीं बैठ जाना उसको याद होना चाहिए आपको ठीक है और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने कोई क्वेश्चन टिक करके रखा

ने याद करके रखा देखना बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होगा देखने में लग रहा इतना बड़ा लेकिन आपको तो याद करके रखा ही है तो वो कैबलरी हो गया ईडीएम हो गया, गया एंटोनिम हो गया रूल्स हो गए ग्रामर्स के स्पेशली जो वो कैबलरी ईडीएम फ्रेजेस टिक मार्क करके रखे होंगे उनको याद कर लेना अगर कोई नोट्स बना के रखा है कि मान लो क्लोज टेस्ट है या पैसेज है जिसमें ये ये चीजें ट्रिक लगती हैं तो वो भी अभी तुरंत देख लेना कि एग्जाम में आए तो भाई आपको याद लिखा हुआ वेस्ट ना हो लिखा हुआ जो है वो आपका एग्जाम में काम आ जाए उसके बाद अगर मॉक एनालिसिस की कोई कॉपी बनाई हुई कि देखो इस तरह का क्वेश्चन है मेरा हमेशा गलत होता है यहाँ पे मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ या मॉक से कुछ एंटोनिम सिनोनिम या कुछ ऐसा लिख के रखा है तो वो सब भी जल्दी जल्दी करके याद करके दस दिन में खत्म करो अब रीजनिंग में क्या रिवाइज करोगे तो नोट्स अगर कुछ बनाया हुआ है है कोई ट्रिक हैक्स लिखा हुआ कि सेम टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो वो आपको याद होना चाहिए कुछ अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स इस तरह की जो चीजें हैं आपको लगता है कि रीजनिंग में बार बार आती है तो उसको आपको याद करना है और रीजनिंग में ना अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपका कोई टॉपिक जो है वो कम

उनके सारे करेंसीज उनके सारे प्राइम मिनिस्टर क्या वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जोग्राफी वहाँ की कुछ है तो ये सब याद कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहीं से आपको स्टैटिक जीके पूछे जा सकते हैं उसके बाद अगर जीके में कोई नोट्स बना रखा है या मॉक एनालिसिस की कॉपी बना रखी है तो वो सब आपको रिवाइज करना इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा क्योंकि याद तो है ही भाई रिवाइज करना है सिर्फ अब तीसरी चीज मैंने बोली थी कि आपको प्रैक्टिस पर इस टाइम ध्यान देना है तो मॉक टेस्ट से तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी चीजें टिपिंग एक्सेट्रा जो सब कुछ हो ही रहा है उसके बाद आप जो नोट्स

मैथ्स वगैरह कभी आप देख लेना रीजनिंग अभी देख लेना कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस -कैसे आएंगे आपको बहुत बेनिफिट करेगा अब हम आते हैं भाई उन चीजों पे जिसको हम बहुत ही तुच्छ समझते हैं लेकिन होते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दस दिन ना आपके मेंटल वेल बीइंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप मेंटली हेराइज्ड हो गए परेशान हो गए तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे आपके पास एक ही दिन होता है भाई इतने दिनों की मेहनत एक दिन में आपको करके दिखानी है तो उसके लिए आपका ये चीज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और कौन है ठीक है ये चीज चीज होनी चाहिए आपके अंदर बिल्कुल तो तो उसके लिए सबसे पहली तो आपका अगर हेल्थ पेट खराब है तो माइंड खराब हो जाएगा तो खाओ पियो अच्छा तला होना मत खाओ हल्का फुल्का कुछ खाओ एकदम चांस ही आने दो कि आपकी तबियत खराब हो जाए तबियत खराब हो जाएगी आप पैनिक में चले जाओगे भाई इतना पढ़ा लिखा आप तबियत खराब हो गया एग्जाम भी खराब हो ठीक है तो खान पान पे ध्यान रखो अगर कर सको तो मेडिटेशन कर सकते हो पांच दस मिनट का ही करो लेकिन कर से से तो क्रिएट मत होने देना जिससे आपके दिमाग में असर पड़े एग्जाम में असर पड़े ठीक है नेक्स्ट टाइपिंग जो है भाई वो आप आधा घंटा एक घंटा जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तक अच्छे खासी अपनी प्रैक्टिस कर लियो तो उसको कंटिन्यू करो दस दिनों तक कंप्यूटर

ऐसा कुछ नहीं होता है जब सिलेक्शन लेते हैं तो लगे भाई इसके लिए इतना परेशान होते थे हम मतलब ये एग्जाम का लेवल है तो अभी आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आप एकदम मस्त रहो भाई जितना पढ़ा है हद से ज्यादा ही पढ़ लिया है अब ठीक है अब खाली इसको हमको इम्प्लीमेंट करके आना दस दिन हम अच्छा से बिताएंगे अच्छा से करके आएंगे ठीक है तो ज्यादा सोचना नहीं है कॉन्फिडेंट रहना है मेंटली स्ट्रोंग रहना है रिविजन करना है और परेशान रहना भाई मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा भाई नहीं हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है नहीं हुआ तो क्या होगा भाई कुछ नहीं होगा आपका होगा भी नहीं भी होगा तो जीवन में बहुत कुछ है करने को भाई बहुत कुछ है ठीक है तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना बहुत मस्त मस्त वीडियोस लेके आती हूँ मैं चलिए मिलते हैं आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद